पटना पुलिस स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट मोड में है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और रेल पुलिस को सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में पटना जंक्शन होटल और लॉजों में ठहरे लोगों की जांच पड़ताल की गई। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलने पर पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। रेल पुलिस के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पटना जंक्शन पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और महिला पुलिस फोर्स के साथ पुलिस की बड़ी टीम ने चप्पे चप्पे को खंगाला। राजधानी पटना में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान के अंदर और बाहर जवानों की तैनाती की गई है। पूरे जिले के करीब 2000 जवानों के अलावा मोबाइल टीम भी गश्त करेगी। शहर में सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस का अलर्ट मोड में रहने को निर्देश दिया गया है। देखिए, आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है पटना पुलिस बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो है हर जगह जाकर के, क्योंकि आपको पता है कि गांधी मैदान में जो है राजकीय समारोह होता है, तो इस अवसर पर हर जगह पुलिस जो है चेकिंग कर रही है। हर गली में, हर जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं, प्लस जो होटल्स हैं, जो लॉजेस हैं, हर जगह जाके चेक कर रही है, जिससे कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है हर्षोल्लास के साथ जो है ये मनाया जा सके। हम तत्पर हैं कि कोई भी जो है कोई भी घटना ना घटे, और बहुत ही संवेदनशील इलाकों में जहाँ भी हैं, जहाँ भी हमें पूर्व की सूचना मिलती है, जहाँ भी सूचना हम संकलन करते रहते हैं, और कुछ ऐसा पाया जाता है जहाँ पे कि ज़्यादा सर्च कराने की आवश्यकता है, वहाँ पे और ज़्यादा हम लोग तफ्तीश के साथ करते हैं। तो आशा है कि जो है आप लोग भी इसमें मदद करेंगे, और हम जो है हर जगह चेकिंग करेंगे अभी, और हमारी जो है जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जो अन्य जो चीज़ें की गई है, जो तैयारियां की गई है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उसमें आप लोग भी हमारा जो है सहयोग करेंगे। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मी लगाए गए हैं? जी, सिविल ड्रेस में लगाए गए हैं, ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग पे लगाए गए। तो हमारी जो पूरी तैयारी है, जो हम लोगों की डिप्लॉयमेंट फोर्स की जो है उचित जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है हमारी ATS की टीम भी हमारे हमें जो सपोर्ट करेगी, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत ही सफल तरीके से इसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पटना पुलिस तैयार है। धन्यवाद।